हाई कोर्ट दे निर्देशा अनुसार पंजाब दे हर जिले विच हर तीजे महीने लोक अदालत लगाई जाती है ताजो लंबे समय तो चल रहे केसा दा निपटारा किया जा सके। ऐसे कड़ी दे चलदे मोगा विखे तिमाही लोक अदालत लगाई गई जिस विच तकरीबन 200 केसा की सुनवाई हुई। मोगा विच लगाई जा रही लोक अदालत के तहत पिछले लंबे समय तो पे पेंडिंग 200 केसा उपर मोगा दे जजा ने सुनवाई कर केसा नूं मौके ते निपटाया। जिक्रयोग है कि मानयोग हाई कोर्ट दे निर्देशां ते पंजाब दे हर जिले विच हर 3 महीने बाद लोक अदालत लगाई जांदी है। इस बारे कौंसल दे प्रधान एडवोकेट नसीब बाबा ने दस्या, मोगा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तिमाही लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें डिफरेंट किस्म के केसेस का निपटारा किया गया। लोक अदालत में जो भी केस आता है उसकी सबसे शानदार बात ये है कि इस लोक अदालत में पार्टीज अपने सभी भेद भुलाकर कंप्रोमाइज करके केस का निपटारा करते हैं। जो पुरानी कटास उनके मन में कोई वैर विरोध होता है वो खत्म हो जाता है। रेगुलर कोर्ट्स में पार्टीज काफी लंबे समय तक केस झगड़ती रहती हैं और जब कोई केस जीत जाता है तो अपने को मरे जैसा महसूस करता है क्योंकि इसका प्रोसीजर है जो काफी लेंथी होता है। लेकिन लोक अदालत में जो केस आता है वो पार्टीज अपने सारे शिकवे शिकायत दूर करके भाईचारे के तहत कॉम्प्रोमाइज करके केस का। इस मौके मीडिया दे रूबरू होए कोर्ट दे जज राजशेखर अत्री ने दसिया कि ये एक शलाघाजोग कदम है जिसना लोका नु खासा फायदा होएगा। केसेस सेट हो रहे हैं, एक स्पेशल केस पार्टियां 7 महीने से डिबोर्स सीख कर रही थी, उस केस में कंप्रोमाइज और दोनों इकट्ठा रहने के लिए एग्री कर गए और दोनों आज इकट्ठे गए हैं और ये इस लोक अदालत की आज की सबसे बड़ी सफलता है। तो और भी केसेस जिसमें डिफरेंट काइंड सिविल अपीलें भी हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के केसेज भी हैं और दूसरे एक्ट्स के केसेज भी हैं जिनमें कंप्रोमाइज हुए हैं। सभी अदालतों ने ज़्यादा से ज़्यादा केस लोक अदालत में सेटल किए हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। सर कब से पेंडिंग पड़े थे ये केस जो आज जिनका निपटारा हुआ है? जो आज केस एचएमए का केस कह रहा हूँ, डिवोर्स का केस जो इकट्ठे रहने लगे हैं, ये 7 महीने से पेंडिंग पड़ा था, इससे ज़्यादा पुराने भी केस थे। फिलहाल उन वेला हो चला है छोटे।